हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। फ्रेंड, आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फिक्स हनीकॉम्ब इन कंक्रीट। इसके बारे में कुछ डिटेल देंगे, कुछ जानकारी देंगे कि कंक्रीट को कैसे रिपेयर किया जाता है। हनीकॉम्ब होता है, बल्जिंग होता है, अंडलेशन होता है वाल में। पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन सा मटेरियल लगता है, कौन कौन सा प्रोसेस इसको करके और रिपेयर करते हैं। सामने आपको वीडियो में देखने के लिए बनेगा कि कैसे इसको रिपेयर किया जा रहा है और कहां कहां पर ये बल्जिंग, अंडुलेशन और हनीकॉम्ब है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे कि ये आप देख रहे हैं बल्जिंग है सीलिंग में, सीलिंग में बल्जिंग है, और ये बीम में आपको कॉलम में देखिए हनीकॉम्ब है। साथ में इसको चिपिंग करके अलाइनमेंट किया जाता है, किस तरह से चिपिंग हुआ है और किस तरह से ये हनीकॉम्ब आता है, किस रीजन से हनीकॉम्ब आता है। प्रॉपर वाइब्रेटर नहीं मारने की वजह से आपको हनीकॉम्ब होता है। और बल्जिंग किस तरह से होता है आपको बता देते हैं कि बल्जिंग जब इम्प्रॉपर सपोर्ट, मतलब कि सपोर्ट बराबर नहीं दिया जाएगा, इसमें देखिए वाल में बल्जिंग है, इसको चिप करके इसको रिपेयर किया गया है। आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इसमें इसको फिक्स किया जाता है कि कभी भी लाइफ टाइम में ये टूटेगा नहीं। वैसे सेंड और सीमेंट मिला करके लगा देने से इसका सॉल्यूशन सही बराबर नहीं होगा, इसलिए आपको इसमें चीपर का ज़रूरत पड़ता है और इसमें अल्मोनियम लेवल का ज़रूरत पड़ता है सीलिंग को बराबर करने के लिए कि कहां से कहां तक चिपिंग किया जाएगा। साथ ही में दो कंपनी का बैग आता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है इसको स्पेशली जॉइंट पर लगाने के लिए, जो वाल का अलग है और सीलिंग में जो मटेरियल लगेगा उसका अलग है। उसके बाद से इसका एक सबसे पहले चिपिंग के बाद जो इस्तेमाल होता है मटेरियल मिल्क के जैसा है, उसका भी नाम आपको बताएंगे कि कौन सा मिल्क है, उसका नाम क्या है और कौन सा कंपनी उसको प्रोवाइड करती है स्पेशली हनीकॉम्ब को फिल करने के लिए और अंडुलेशन को चिपिंग करके उस केमिकल को लगाने के लिए और बल्जिंग को चिपिंग करने के लिए। सामने आप देख रहे हैं वही मटेरियल है जो चिपिंग करने के बाद से लग रहा है और लगा करके इसको बढ़िया तरह से पानी फिर क्यूरिंग करने का ज़रूरत नहीं है, एक ही बार इसको अप्लाई करेंगे और इसको सीलिंग को बराबर करके और फिनिशिंग दे देंगे। इसके बाद से पुट्टी आएगा, पुट्टी लगाएंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, उसके बाद से इसका फाइनल पेंट होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन सा कंपनी का माल इसमें यूज होता है। सामने आपको बैग भी देखने के लिए मिलेगा। आप पढ़े लिखे हैं भैया तो भाई, तो आप उसको देख भी सकते हैं कि कहाँ का मटेरियल प्रोडक्ट ये रेडी हो रहा है। सीलिंग में लगाने के लिए GP2 आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि सीलिंग में लगाने के लिए GP2 सिर्फ वही, उसमें कोई सीमेंट नहीं मिलाना है और कोई उसमें सेंड नहीं मिलाना है, डायरेक्टली उसको अप्लाई करेंगे। बैग पर देखने के लिए मिलेगा आपको GP2 आपके सामने, देखिए सीलिंग चिपिंग करके उसके बाद से इसमें मिल्क भी लगाया गया। मिल्क का नाम भी है उसका नीटो बॉन्ड, आपको वो भी देखने के लिए दूध का कलर में वो आता है जो शिपिंग करने के बाद से पहले उसको अप्लाई किया जाता है। वीडियो में वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। नाम याद रखिएगा नीटो बॉन्ड, जो सेम मिल्क की तरह से होगा और होता है, आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी कुछ ना कुछ आपको नॉलेज हासिल होगा कि हनीकॉम्ब, बल्जिंग, अंडुलेशन, शिपिंग करने के बाद से कौन कौन सा मटेरियल को लगाया जाता है, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, आपको पूरा वीडियो में देखने के लिए मिलेगा।
फर्स्ट नंबर का तो हम बात कर ले कि सीलिंग में आपको GP2 का यूज करना है। पहले नीटो बॉन्ड मिल की तरह से होता है, उसको ब्रश से अप्लाई किया जाता है। आगे स्टार्टिंग में वीडियो में आप देखे होंगे कि पूरा वॉल चिपिंग करके उसके बाद नीटो बॉन्ड लगा हुआ है। और दूसरा हम बात करेंगे जो वॉल में आपको लगता है रिपेयर करने के लिए हनीकम्ब जो होता है, उसके लिए रेन ड्रॉप सिर्फ वॉल के लिए, वॉल रिपेयरिंग के लिए जो हनीकम्ब होता है, बल्जिंग होता है, उसमें रेन ड्रॉप लगाते हैं। और सीलिंग के लिए GP2, मतलब दो ही बैग जो है कंपनी प्रोवाइड करती है और कंसल्टेंट इसको अप्रूव करता है, पास करता है। इसी केमिकल से इसको फिल किया जाता है। इसमें और कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पानी के सिवा और दूसरा कुछ भी नहीं लगाना है। तो फ्रेंड, इसमें बहुत बढ़िया तरह का यह हार्डनर है और इसमें सब कुछ रेडीमेड मिक्स किया गया है। एक बैग 25 kg का आता है और इसका प्रोडक्ट का जगह है बेंगलोर में। ये प्रोडक्ट रेडी होता है और पूरा जगह पर ये कंपनी सप्लाई करती है। कंपनी का नाम है रेन ड्रॉप, आप लोग देखे होंगे रेन ड्रॉप ये बैग इस्तेमाल होता है। और फर्स्ट रॉक जो है कंपनी का नाम है, फर्स्ट रॉक कंपनी, जो भी लिक्विड का जैसे आप नीटो बॉन्ड होते हो गया, चाहे ये रेन ड्रॉप हो गया, सीमेंट हो गया, GP2 हो गया, और भी जितना भी प्रोडक्ट होता है, वाइट सीमेंट हो गया, जितना भी सीमेंट जो स्पेशली जगह पर स्पेशल तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है फर्स्ट रॉक। और बहुत बढ़िया ये हार्डनर है, बहुत हार्ड तरह से इसको लगाया जाता है। देखिए ब्रश में लग रहा है, नीटो बॉन्ड मिल्क की तरह से है। सामने आप देखिएगा हेलमेट में लगा करके नीचे रखे हुए हैं और वहाँ से ये भाई अप्लाई कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी मिस्टेक, प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं मारने से, प्रॉपर सपोर्ट नहीं लगाने से आपको बल्जिंग बीम में, स्लैब में, सीलिंग में, कॉलम में देखने के लिए इस वीडियो मिलेगा। इसका प्रोसेस, फुल प्रोसेस है। वीडियो में आप बने रहिए और देखते रहिए कि बल्जिंग, अंडुलेशन और हनीकॉम्ब में कौन कौन सा मटेरियल और किस तरह से इसको फिनिश किया जाता है, जो अप्रूवल होता है, कंसल्टेंट इसको अप्रूव करता है कि हाँ ये रिपेयरिंग ठीक है, ये जो फिक्स किया गया है मटेरियल, ये अप्रूवल मटेरियल है। फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये अप्लाई हो रहा है। और ये मटेरियल बेंगलोर में बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का। ये मिल्क है, इसका नाम है नीटो बॉन्ड। ब्रश से इसको अप्लाई करते हैं। इसका अप्लाई करने का फ़ायदा यही है कि कभी भी इसमें पानी मारने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और स्पेशली जॉइंट के लिए नीटो बॉन्ड आप देख सकते हैं कि ये पहले अप्लाई होता है, उसके बाद से इसमें GP2 सीलिंग के लिए जो बैग है वो इसको पानी मिला करके लगाने के हिसाब से इसको, कोई सीलिंग में थोड़ा मटेरियल गिरता ही है नीचे, रुकता नहीं है, फिर भी धीरे धीरे करके इसको रिपेयर करते हैं। सामने आपको देखेंगे कि आपको वाल भी मिलेगा। आगे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कि वाल में भी रेन ड्रॉप का इस्तेमाल किया गया है। पहले, सबसे पहले चिपिंग बहुत ज़रूरी है और लेबल करना बहुत ज़रूरी है, सीलिंग हो या बीम हो। और देखिए यहाँ पर फिनिश हो गया है, पूरा फिनिश हो गया। कोई कंसल्टेंट आकर के चेक किया और इसको डन करके फिर गया, तब हम इसको काम को आगे तक पहुँचाते हैं और यही मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। बार बार आकर के कंसल्टेंट इसको चेक करते हैं कि मटेरियल सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो बैग पर नाम भी लिखा हुआ है, ये बैग कहाँ पर प्रोडक्ट बना हुआ है और कितना केजी का होता है और कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली आपको हनीकॉम्ब बल्जिंग हो गया, चिपिंग करते हैं उसका, और ये अंडुलेशन कॉलम में कुछ फूल उल जाता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सामने आप देखेंगे, आगे वीडियो में बन रही कि इसमें आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक का प्रोसेस जो भी है आप वीडियो में देख ही रहे हैं, साथ साथ में हम
आप सभी भाइयों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि किस तरह से किया जाता है। कोई फेक टेक नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई जो कुछ भी रियल टाइप का वीडियो है, आपको सभी कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ी हुई जो भी बात है आपको इस चैनल पर मिलेगा कि कौन सा काम किस तरह से होता है। फेक वाली कोई बात नहीं है और किसी दूसरे जगह का कंटेंट लिया करके वीडियो पर नहीं डाला गया है। जो कुछ भी है रियल टाइप से और रियल तरीके से आपको देखने के लिए वीडियो मिल रहा है। अब आप इसमें आगे जाएंगे तो देखेंगे कि आपको ये वाल का रिपेयरिंग हो रहा है। देखिए पहले यहाँ पर पूरा बल्जिंग था, दोनों जॉइंट एक कॉलम में से वाल में से दूसरे वाल में था, सेंटर तोड़ करके चिपिंग करके और इसको रिपेयर का किया जा रहा है। यहाँ पर रेंड रॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर GP2 नहीं लग सकता यहाँ, इसलिए कि यहाँ पर ये वाल है, वाल से वाल को अलाइनमेंट करके और रेंड रॉक सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे कि कौन सा बोरी कितना केजी का आता है, कहाँ पर प्रोडक्ट बना हुआ है। वीडियो पर बने रहिए और ये देखते रहिए कि रिपेयरिंग कैसे फिक्स किया जाता है, जो बल्जिंग है, अनरुलेशन है, हनीकॉम्ब है, आपको इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए और जानने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड ये हो गया वाल, ये भी कंसल्टेंट आकर के चेक किया और चेक करके, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कॉलम में हनीकॉम्ब आता है या बल्जिंग होता है, अनरुलेशन होता है, तो उसको तोड़ना भी पड़ता है, तो आपका पूरा मटेरियल नुकसान होगा। ये रेंड रॉक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट रॉक कंपनी ऊपर देखें, फर्स्ट रॉक कंपनी है और 25 kg का यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसका एक्सपायर डेट भी होता है, मैन्युफैक्चर डेट भी होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है पूरा इस बैग पर आपको दिखाया गया है कि इसको किस तरह से और कहाँ पर यूज किया जाता है। इसलिए थोड़ा जूम करके भी हम फोटो में दिखा दिए हैं कि कोई भी भाई अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो इसका जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉलो कर सकते हैं। और डेट बाई डेट है, एक्सपायर भी हो जाता है तो उसको उतना काम नहीं कर पाएगा। फुल बैग है 25 kg का, सामने आप देखिए यहाँ पर 25 kg है, दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर 25 kg दिसंबर 2022 में बना हुआ है। यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्टली निकालिए बैग में से और मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद से डायरेक्टली इसको सीलिंग या बीम में जो भी हनीकॉम्ब है उसको आप लगा सकते हैं। इसमें सेंड भी मिला हुआ है, सीमेंट भी, मतलब पूरी तरह से ये रेडी है, यहाँ पर पूरा रेडी है, सब कुछ है, सिर्फ पानी मिला करके डायरेक्टली प्रॉब्लम जहाँ पर है उसको अप्लाई करेंगे। देखिए ये बीम में सीलिंग में बीम का सीलिंग है, ये हनीकॉम्ब है, इसमें लगाया जा रहा है, पूरी तरह से ये बीम बल्जिंग है, नीचे से हनीकॉम्ब है, इसको पूरा रिपेयर करके और कंस्ट्रक्शन को पास कराया जाएगा ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है। वैसे मटेरियल अप्रूव हो गया है और वर्क जो भी होगा पूरा स्मूथ तरह का है कि नहीं है उसको चेक करके अप्रूव करेगा, तो फिर पूरे बिल्डिंग में जगह जगह पर कमेंट है उनको बल्जिंग वेंटिलेशन करके उसके बाद फिनिश किया जाता है। ये भी 25 kg का बैग है, दो ही बैग रिपेयरिंग के लिए, धूप हटाइए, धूप नाम याद रखिएगा, रेल रोड वाल के लिए और GP2 सीलिंग के लिए, जो भी हनीकॉम्ब आता है या आप चिपिंग करके तोड़ते हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे नीटो बोल्ट का, जो मिल की तरफ से होता है, वो भी एक ड्रम में आता है, 200 लीटर का ड्रम आता है। जो भी इंस्ट्रक्शन है उस पर आप पढ़ सकते हैं, बेंगलोर में बना हुआ केमिकल है। तो फ्रेंड हम चैनल पर छोटा छोटा टॉपिक लेकर के आते रहते हैं, बहुत अच्छी जानकारी होती है, जो भाई भी
कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कौन सा काम किस तरह से होता है, कॉपलक स्कैफोल्डिंग, फ्लाई ऐश ब्रिक, वाटर प्रूफिंग, ए टू जेड वीडियो इस चैनल पर है कि कौन सा काम किस तरह से किया जाता है। पूरी डिटेल आप सभी भाइयों को मिलेगा इस चैनल पर। जो भाई भी शौक़ रखते हैं, सीखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन से काम जुड़ी हुई, आप चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा चीज़ देखने के लिए मिलेगा, एक एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा काम किस तरह से होता है। तो फ्रेंड, आज का जानकारी बस इतना ही था कि किस तरह से हनीकॉम्ब को फिक्स किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि ऐसे कंस्ट्रक्शन लाइन की जानकारी आप सभी भाई को मिलती रहे। थैंक्स एंड टेक केयर।